रणदीप सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की असमत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिपेक्ष में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए, कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं दो दो बैठक हमने बुलाई श्री सचिन पायलट जी को और हमारे युवा साथियों को और दूसरे विधायक साथियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखिए। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ना कांग्रेस में और ना शायद भाजपा में ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसे उसके राजनीतिक दल ने इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया हो। इन दिनों में भी, पिछले 5 दिनों में भी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व ने आधा दर्जन बार, कांग्रेस कार्य समिति के दो दो वरिष्ठ सदस्यों ने एक दर्जन बार और श्री केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव एआईसीसी ने एक से अधिक बार उन्हें यह भी कहा
कि ना केवल वापिस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखिए, परंतु अगर आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, अगर आपको कांग्रेस से प्यार है, अगर आपका कांग्रेस में समर्थन है, तो जिस 5-तारा होटल में आप वहां हैं, वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं हो पाया और 4-5 दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्यवाही की घोषणा हमें करनी पड़ी। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर, हम सब हमउम्र साथी हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और विधायक कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर, जिन्होंने जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये दो होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलए का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। धन्यवाद, नमस्कार। क्या वापस आने में वही जगह मिलेगी जो पहले थी? रणदीप जी, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना लगाया है और कहा है कि अगर वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार के राज्य में क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन में क्या कर रहे हैं, उन होटलों में क्या कर रहे हैं, उन बाकी विधायकों के साथ परिवार है तो वापस लौटे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने बार बार मौका दिया, ये भी कहा कि अगर आपकी मंशा बीजेपी में जाने की नहीं है तो आप ये बात बाहर जाकर के कह दीजिए मीडिया से कि आपकी आस्था कांग्रेस पार्टी में अभी बाकी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दो बार विधायक दल की बैठक बुलाई लेकिन उसमें भी सचिन पायलट नहीं पहुंचे। उनका बार बार रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनसे कई बार संपर्क हुआ, कई बार उनसे बात हुई, संगठन महामंत्री जो हैं उन्होंने उनसे कई बार बात की, कई राउंड की बातचीत के बावजूद सचिन पायलट नहीं माने, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उसे एक परिवार मानते हैं तो वापस आ जाए। तो दोनों बातें कह रही है कांग्रेस पार्टी, अभी भी कार्रवाई के बावजूद सचिन पायलट से उम्मीद कर रही है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाए, उनकी उसके बाद क्या हैसियत रहेगी पार्टी में ये साफ नहीं कर रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि वो सबसे पहले हरियाणा राज्य को छोड़ें। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त, देवेंद्र पराशर और गुनिका अरोड़ा। देवेंद्र, अब आप इस परिस्थिति को कैसे पढ़ते हैं कि आज कार्रवाई हो गई? एक मिनट में आता हूं आपके पास। अभी इस वक्त तस्वीर आ रही है जब सचिन पायलट ये
हरियाणा गुड़गांव के उसी होटल में पहुंचे हैं, आईटीसी ग्रैंड, वहां अभी अभी पहुंचे हैं सचिन पायलट, वहां जाकर अपने साथी विधायकों से बात करेंगे। दरअसल खबरें ऐसी भी हैं कि वहां जितने विधायक हैं उनमें से कुछ वापस गहलोत खेमे में जा सकते हैं, वो वापस जयपुर जा सकते हैं, हो सकता है वो उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, अब ये बताइए कि इतना सब कुछ होने के बाद सचिन पायलट के पास क्या बाकी है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो निश्चित तौर पर सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है, बाकी जो एक्शन होना था वो हो चुका है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ये मैसेज ना जाए कि युवा नेता हैं, गुर्जर नेता हैं या फिर कुछ मीणा नेता, जाट नेता भी उनके साथ हैं, तो उस समाज में कोई इस प्रकार का मैसेज ना चला जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम कर दिया, कोई अन्यायपूर्ण काम कर दिया हो। इस लिहाज से परसेप्शन की लड़ाई के तौर पर कांग्रेस के मंच से ऐसी बातें बार बार कही जाती रही हैं। जबकि देखिए कि दिन में कार्रवाई हुई, न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि रात में स्पीकर के पास डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन भी दिया गया और जिसको स्पीकर ने नोटिस भी आज सुबह भेज दिया है इन 19 विधायकों को, सचिन पायलट समेत। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है सिर्फ परसेप्शन के लिए। और दूसरी चीज, जो नोटिस भेजा गया स्पीकर के मार्फत, स्पीकर के यहां जो पिटीशन डाला गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, वो सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, खासतौर पर वैसे विधायक जो कि फर्स्ट टाइमर विधायक हैं और उनके ऊपर जब यह तलवार लटकेगी कि उनकी सदस्यता जा सकती है तो शायद इस दबाव में वापस वो अशोक गहलोत के पास जाना बेहतर समझें। जाहिर तौर पर सचिन पायलट जब वहां पे गए हैं तो वो उन लोगों को समझाएंगे कि कोई भी मटेरियलिस्टिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज की है। ऐसे में अगर स्पीकर हमारी बात नहीं भी समझ पाते तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आसानी के साथ खटखटाया जाता है और ये वो कारण है क्योंकि सचिन पायलट को बखूबी मालूम था, शुरू से मालूम था, इसलिए उन्होंने कोई भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर के मार्फत या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत कोई भी बयानबाजी या प्रेस नोट के मार्फत भी कोई बयान नहीं दिया। सचिन पायलट के खेमे से जो बात कही भी जाती थी वो उनके जो मीडिया मैनेजर है वो व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मैसेज डाल देते थे, जाहिर तौर पे वो कोई प्रूफ नहीं हो सकता। स्पीकर के यहाँ भले ही उस बात को माना जाए ना माना जाए, जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ पर उनको राहत मिल सकती है। इस सारी स्ट्रेटजी के साथ वहाँ पे उन विधायकों को समझाने गए होंगे, देखना होगा कि कितने विधायक उनकी इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है इस बात पे कि सचिन पायलट अपना कितना दम दिखा पाते हैं विधायकों की संख्या के मामले में। और दूसरी चीज की जो उन्होंने बात बताई कि आज बीजेपी वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तय है कि ना बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे लेकिन वो भी तुरंत नहीं बना सकते क्योंकि जैसे ही वो पार्टी बनाएंगे उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उस लिहाज से वो तब तक इंतजार करेंगे जबकि अशोक गहलोत की सरकार को वो अस्थिर ना कर दें। जी सर, चलिए, थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सामने आए थे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ सबूतों का जिक्र किया जिससे सचिन पायलट मुश्किल में पड़ सकते हैं। गहलोत ने कहा कि 30 करोड़ में विधायकों का सौदा किया जा रहा था, सुनिए। हो रही है देश के अंदर ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है, 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओ जी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओ जी ने, हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से, 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन लगे किसे कहते हैं, अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला गुड़गांव वाला वो खेल उस वक्त होने वाला था, रात को दो बजे रवाना किया जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे, सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था, सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे अगर मान लोगों से, मोबाइल नंबर दीजिए हमें, नाम दीजिए हमें, षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी, अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या समझ दे रहे हो, ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। तो इससे एक बात भी साफ है जो अभी अशोक गहलोत ने कही कि वो जानते थे कि उनके अपने डिप्टी सीएम उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी के साथ कोई डील कर रहे थे, तो इसलिए वो नोटिस जो भेजा गया वो नोटिस जानबूझकर सचिन पायलट को भेजा गया। अब इस बात में भी कोई शक बाकी नहीं रह गया, इसको लगभग खुद एडमिट कर लिया है अशोक गहलोत ने। मनीष भी जुड़ गए जयपुर से, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम से एक अपडेट लेना चाहेंगे, गुनिका से, जहां सचिन पायलट अपने साथी विधायकों के साथ
मौजूद हैं। कोई संकट है क्या इन विधायकों के ऊपर भी? ये लोग अब कितनी देर और सचिन पायलट के साथ रहेंगे? इनमें से कुछ क्या वापस जाना चाहते हैं, जयपुर सरकार ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या खबर है कोनिका? देखिए, विधायक पिछले 3 से 4 दिनों से यहीं पर बने हुए हैं। सचिन पायलट सोमवार को यहां पर आए थे, शाम को विधायकों से आकर मिले भी थे, लेकिन कल जिस तरह उन पर कार्रवाई हुई, तमाम विधायकों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से ही सचिन पायलट विधायकों से मिलने नहीं पहुंचे थे यहां पर। कल पूरा दिन इंतजार किया गया कि शायद वो यहां पर पहुंचे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबर भी थी, लेकिन वो यहां पर नहीं आए। आज सुबह से भी वो विधायकों से मिलने नहीं पहुंचे थे। जाहिर तौर पर विधायकों के बीच में भी असंतोष की स्थिति होगी, जिसके बाद अब सचिन पायलट विधायकों से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह स्पीकर के पास इस वक्त पिटीशन है उन विधायकों के और सचिन पायलट के डिस्क्वालिफिकेशन की, अब उसको लेकर पूरी जो मीटिंग है वो इस वक्त सचिन पायलट के साथ तमाम विधायकों की चल रही है। 18 विधायक इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ये भी खबरें आ रही थी कि इनमें से कुछ विधायक शायद चले गए हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी खबर कंफर्म नहीं है। सभी विधायक इस वक्त अंदर ही बने हुए हैं और सभी विधायक इस वक्त सचिन पायलट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सचिन पायलट यहां पर एक एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ, 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची, सचिन पायलट अंदर गए और तब से ही वो अंदर हैं। इससे पहले सोमवार को यहां पर पहुंचे थे, तब भी विधायकों के साथ मीटिंग की थी और आज भी मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विधायकों को ये वो आश्वासन देने आए हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति आगे जाकर पैदा नहीं होगी, और अगर ऐसा होता भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, उनके पास वो आगे विकल्प भी है। तो वो विधायकों को ये आश्वासन इस वक्त जाहिर तौर पर अंदर दे रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह सचिन पायलट के साथ जितने भी विधायक हैं, अभी की मालूमात यह है कि 18 के करीब विधायक हैं, वो उनको अभी एक साथ जोड़कर रखना चाहते हैं अपने साथ। उसमें से बहुत सारे विधायक अब शायद घबरा करके, जैसा देवेंद्र बता रहे थे, कई फर्स्ट टाइम विधायक भी हैं, उनको डर लग रहा है कि पहली बार विधायक बने, विधायक की चली जाएगी, अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं। कहां तो ये लग रहा था कि सचिन पायलट इसमें कुछ और विधायकों को जोड़ पाएंगे, अब उनके खेमे में जितने विधायक थे उसी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गहलोत ने कुछ सबूतों का जिक्र किया था सचिन पायलट के खिलाफ, ये सबूत क्या हो सकते हैं, इस पर आपको मनीष ज्यादा जानकारी देंगे। राजस्थान के सियासी ड्रामे से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त की। पहली तो यह कि अशोक गहलोत ने खुलकर सचिन पायलट का नाम लेकर यह कहा है कि वो षड्यंत्र में शामिल थे सरकार गिराने की, ये मैं जानता था, मेरे पास सबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने भारी मन से सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई की है, और लेकिन अभी भी एक परिवार है कांग्रेस पार्टी और वो इस परिवार का हिस्सा है, चाहे तो वापस आ जाए। मनीष, ये मिक्स्ड सिग्नल क्यों है? एक तरफ पार्टी कह रही है पुचकार के कि आ जाओ, और अशोक गहलोत खुलकर धमकी दे रहे हैं। देखिए, एक घंटे का दिलचस्प वाकया है सौरभ, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही होटल से निकले वैसे ही रास्ते में मीडिया से बातचीत करने लगे और खुलकर तीखी प्रतिक्रिया की। पहली बार ऐसा होगा कि इतना एग्रेसिव मोड में अशोक गहलोत ने साफ कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग में जो पूरी अहम भूमिका है वो सचिन पायलट की है। राज्यसभा चुनाव में जो बाड़ेबंदी इसीलिए की गई थी, नहीं तो 2 बजे रात को विधायक चले जाते, बीजेपी से लगातार सचिन पायलट बात कर रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम रहा, बातचीत करते रहे और जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही पूरा कारकेड अशोक गहलोत का रुक गया। बीच सड़क पर 15 मिनट तक अशोक गहलोत बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आलाकमान से तुरंत फोन आया और ठीक वैसे ही उसी रफ्तार से उन्होंने गाड़ी मोड़ी, होटल के अंदर गए और आधे घंटे में सुरजेवाला आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भारी मन से हमें कहना पड़ रहा है कि सचिन पायलट के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की है, क्योंकि अभी भी सुलह के रास्ते बचे हुए हैं, अभी भी वो हरियाणा में खट्टर सरकार की मेजबानी छोड़कर यहां आए, हम उनको अपनाने के लिए तैयार हैं, पार्टी में उनके लिए अभी भी रास्ते खुले हैं। तो अब आप मिक्स बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि गहलोत की तीखी प्रतिक्रिया पर कहीं ना कहीं आलाकमान ने जरूर नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। चलिए ठीक है, अभी एक सवाल और बाकी है कि ये जो पुलिस का नोटिस, एसओजी का नोटिस दिया गया था सचिन पायलट को भी, उसमें आज गहलोत ने कहा कि नोटिस मुझे भी आया था, लेकिन सब जानते हैं अगर वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, तो अब जब पुलिस सचिन पायलट से पूछताछ करेगी, जो अभी करेगी क्योंकि वो नोटिस तो एक कानूनी प्रक्रिया है, तो सचिन पायलट के ऊपर अभी वो कानूनी तलवार भी लटकी हुई है, उसका क्या? सचिन पायलट आगे क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है और इंतजार इस बात का है कि वो कब हमारे सामने यानी मीडिया के सामने आए और कम से कम बताएं कि उन्होंने क्या सोच रखा है और स्पीच पीछे क्या कुछ हुआ है। मनीष, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ये बताएगा कि ये जो अभी एसओजी के नोटिस की बात है, और ये नहीं हमको भूलना चाहिए कि ये नोटिस राजद्रोह की धाराओं के तहत उनको भेजा गया है, इस पर आगे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सौरभ मैं बताऊं, एसओजी ने जो एफआईआर दर्ज की है वो 124A और 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत ये एफआईआर है। इसमें कहीं पर भी सचिन पायलट का नाम नहीं है, हालांकि 2 सिर्फ विधायकों का नाम है, रमीला गड़िया जो कि निर्दलीय विधायक हैं और बांसवाड़ा से जो विधायक है महेंद्रजीत मालवीय है, इन दोनों के नाम पर 2 ऐसे नंबर थे जिनसे बातचीत कर रही थी सरकार गिराने के लिए। लेकिन इसमें अहम तथ्य ये है कि एफआईआर में एसओजी ने शुरुआत में ही लिखा कि ये पूरी फोन ट्रेसिंग
रही थी तस्करी को रोकने के लिए, इनको कहीं एक हिंट मिला था कि ये तस्करी हो रही है, जिस पर इस पूरे नंबर्स को ट्रेस किया जाए, लेकिन जब उसको टेप किया तो पता लगा ये सरकार गिराने की साजिश चल रही है जिसमें तमाम खुलासे हुए हैं। उस सबूत को लेकर ही ये माना गया कि ये जो बातचीत हो रही है वो सचिन पायलट के द्वारा की जा रही है, उनके तमाम विधायकों के साथ की जा रही है, उनके खेमे के साथ की जा रही है। इसमें ये जो दो लोग इन्वॉल्व है वो सचिन पायलट के खेमे के हैं। और उसके तुरंत बाद जो निर्दलीय विधायक रमीला गड़िया थी, उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि मेरे पास कोई फोन कॉल नहीं आए, ऐसा किसी भी खरीद फरोख्त की बात नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें घूम रही हैं इसमें, जिसके बाद ही एसओजी ने हालांकि इन तथ्यों के आधार पर नोटिस सिर्फ सचिन पायलट को ही नहीं दिया है, सचिन पायलट को नोटिस गया है, अशोक गहलोत को नोटिस गया है, मुख्य सचेतक ने सबसे पहले परिवार दर्ज कराया था राज्यसभा चुनावों के वक्त, उनको नोटिस गया और कुछ अन्य विधायकों को भी गया है। लिहाजा मुख्यमंत्री भी ये बार बार बात कह रहे हैं कि सिर्फ सचिन पायलट से ही पूछताछ नहीं होगी, बल्कि एसओजी अगर पूछताछ करने के लिए नोटिस दी है मुझको तो मैं भी जाऊंगा और सहजता से जो सवाल अगर एसओजी की तरफ से पूछे जाते हैं उनका मैं जवाब भी दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पराशर, मनीष आपका और गोनिका आपका इस अपडेट के लिए। लेकिन अभी भी इंतजार रहेगा सचिन पायलट के अगले कदम का।